अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ राहिल गिल और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बच्ची से करवाने वाला हूँ जिसने 14 साल की उम्र में 57th नेशनल चैम्पियनशिप ऑफ टेबल टेनिस जीत के अपने आप को यंगेस्ट चैम्पियन बना लिया है। उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्हें कैसा लगता है कि जब वो यंगेस्ट वुमेन सिंगल चैम्पियन बनी है और वो पाकिस्तान का नाम और कैसे रोशन करेंगी। तो हम वेलकम करते हैं हाइका हसन को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हाइका, यंगेस्ट चैम्पियन बनके वुमेन सिंगल्स में टेबल टेनिस के आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने अपनी जो कंट्री में है उसी के अंदर पाकिस्तान को एक अच्छा टैलेंट साबित किया है कि मैं यंगेस्ट टैलेंट और ऊपर आ सकती हूँ, तो पाकिस्तान को तो सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ कि जब आपने ये टेबल टेनिस स्टार्ट किया तो तब आपकी क्या उम्र थी? 9 ईयर्स की थी जब मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने एज अ फिज़िकल एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट किया था। मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं एज अ करियर चुन लूँगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं खेलती गई तो शौक और पैदा होता गया और फिर आहिस्ता 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 ऐसा भी करियर बनता जा रहा है और अब गोल्स हैं आगे बहुत। अच्छा मुझे बताओ कि अभी आप करंटली किस डिपार्टमेंट के लिए खेलते हो और जो जो नेशनल चैम्पियनशिप हुई इसमें आपने किसको हराया फाइनल? मैं करंटली आर्मी से खेलती हूँ, पाकिस्तान आर्मी से खेलती हूँ, और मैंने अभी जो रिसेंटली हराया रायला काशिप को हराया, जिनको सब द लेजेंड कहते हैं और वो वापडा को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा मुझे बताएं कि जैसे आपको जो कोचिंग है वो कौन करता है और किस तरह से आपकी ट्रेनिंग होती है? मेरी जो कोचिंग है वो मेरे फादर ही देते हैं। मैं यहाँ पे रेगुलर आती हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ। अगर हमें इंटरनेशनल कोचेस मिले और इस टाइप की फैसिलिटीज़ मिलें और जैसे मेरे फादर कोचिंग करते हैं ऐसी और फैसिलिटीज़ मिलती रहें तो हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। अभी जो करेंटली मैं जा रही हूँ जर्मनी 3 मंथ्स के लिए ट्रेनिंग कैंप के लिए जा रही हूँ। पाकिस्तान आर्मी ने हमें इस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा हाइका, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं ग्रेड 9। पढ़ाई और टेबल टेनिस दोनों को कैसे मैनेज करती हैं? जाहिर सी बात है, अगर आप दो चीज़ें लेके चलना चाहते हैं तो इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, खासतौर पर ओ लेवल की स्टडीज़ को। लेकिन अगर आप हर चीज़ मैनेज कर लें, प्रॉपर आप टाइम टेबल बना लें, टीचर्स मैनेज करना बहुत आसान है। जब आपने 57 नेशनल चैम्पियनशिप जीती तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? जाहिर सी बात है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी और उन्हें काफ़ी प्राउड भी फील हुआ था। जो आपने चैम्पियनशिप जीती इसके अंदर आपको सबसे मुश्किल मैच कौन सा लगा या आपको लगा कि ये प्लेयर बहुत टफ है, इसके साथ खेलना थोड़ा मुश्किल है? जाहिर सी बात है, मुझे अभी जो रिसेंटली 57th जो नेशनल हुई थी उसी के अंदर मुझे ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि उसमें जो लेजेंड थी, जो काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर थी रायला काशिप, मेरा उनसे मैच पड़ा और वो एक्सपीरियंस थी और मेरा जो था वो फिज़िकली मैं फिट थी, तो उसके अंदर काफ़ी टफ टाइम मुझे मिला था। ज़्यादा पढ़ाई में दिल लगता है या टेबल टेनिस? दोनों चीज़ में मैनेज करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर टेबल टेनिस में होता है ज़्यादा दिल, क्योंकि इसमें मज़ा भी आता है और आपके मेंटली तौर पे भी एक एक्सरसाइज हो रही होती है। अगर आपको मौका मिले तो पाकिस्तान के लिए अगर आप इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेंगी तो कितनी परसेंट आप उसमें मेहनत करेंगी? कॉर्स इसके अंदर तो मैं पूरी 100% मेहनत करने की कोशिश करूंगी कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। जितने यंग बच्चे देख रहे हैं जो टेबल टेनिस या कुछ और कर रहे हैं, कुछ और गेम में खेल रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज देना चाहती हूं कि वो जो स्पोर्ट्स खेलते हैं ठीक है, उसके अंदर भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, लेकिन उनको टेबल टेनिस भी एज ए स्पोर्ट्स चुनना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपको स्ट्रेस से दूर करता है, एनजाइटी से दूर करता है और आपको बहुत हेल्प करता है एजुकेशन में। बेटियां बेटों से कम नहीं होती, तो अगर आपकी बेटी में कोई भी टैलेंट है और वो उस टैलेंट को निखारना चाहती है, उसमें कुछ करना चाहती है, तो हमारे जितने लोग देख रहे हैं माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को सपोर्ट करें ताकि हाइका हसन जिस तरह से आज पाकिस्तान की यंगेस्ट वुमेन चैम्पियन बनी है, इसी तरह उन लड़कियों को भी मौका मिले और वो अपने टैलेंट को आगे दिखा सकें। इसी के साथ आज हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तमाम देखने वाले हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफ़िज़।